Samsung Galaxy S23 FE, जो कि एक टाइम पर 55,000 के प्राइस में मिलता था, यही स्मार्टफोन आज के डेट में आपको Flipkart सेल में सिर्फ और सिर्फ 33,999 की प्राइस में देखने को मिलेगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या, एक टाइम पर जो सैमसंग के AI फीचर्स जो हमें एक फ्लैगशिप फोन में देखने को मिलते थे, One UI 6.1 के अपडेट के साथ वो सारे गैलेक्सी AI फीचर्स इस फोन में भी आ चुके हैं। तो आज की डेट में क्वेश्चन रिमेंस द सेम, क्या 33,999 की प्राइस में ये फोन वर्थ इट है? इसमें AI फीचर्स अच्छे से काम कर रहे हैं? डोंट वरी, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर शुरुआत करने वाली हूँ फोन के कैमरा से, बिकॉज आफ्टर ऑल 34,000 की प्राइस में किस तरह के कैमरास आज की तारीख में इस फोन में परफॉर्म कर रहे हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमराज दे रखे हैं, 50 megapixel प्राइमरी विद OIS, 8 megapixel का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा जहां पर आप 3x ऑप्टिकल जूम फोटोज कैप्चर कर सकते हो, 12 megapixel का अल्ट्रा वाइड दिया हुआ है, फ्रंट में 10 megapixel का सेल्फी कैमरा। मैंने फ्रंट रियर वाइड एंगल सबसे फोटोज कैप्चर किए, अलग अलग लाइट कंडीशन में फोटोज कैप्चर किए। मैं एक चीज आपको बता सकती हूँ कि कलर साइंस इंप्रेसिव है, डिटेल्स आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, एक्सपोजर बैलेंस ये अच्छे से कर लेते हैं। इनफैक्ट इस फोन से आप 1x 2x 3x में पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर कर सकते हो जहां पर बुके इफेक्ट काफी कमाल का देखने को मिलता है, वाइड एंगल से भी फोटोज अच्छे आ जाते हैं। कभी कभार आर्टिफिशियल लाइट में एक्सपोजर थोड़ा हिट एंड मिस होता है, लेकिन ओवरऑल मतलब क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, जो मेरे अकॉर्डिंग कोई दूसरा ब्रांड नहीं ऑफर कर रहा है जितना मुझे पता है, कि 34,000 की प्राइस में इस फोन में आप रियर से 8K 24fps में वीडियो शूट कर सकते हो, इनफैक्ट वाइड एंगल में भी आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट में आपको 4K 60fps तक की सेटिंग में शूट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओवरऑल मैंने इस फोन से वीडियोस बना के देखे हैं, क्वालिटी अच्छी रहती है यहाँ पर, ठीक है, स्टेबलाइजेशन भी अच्छा देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट बुके में भी अगर आपको वीडियोस रिकॉर्ड करना पसंद है ना, शॉर्ट्स के लिए रील्स के लिए, तो वहां पर भी क्वालिटी अच्छी है, मैंने बुके में भी वीडियो निकाल के देखा है। इनफैक्ट अभी तक जो ये मैं वीडियो सेल्फी से शूट कर रही हूँ ये इसी फोन के फ्रंट कैमरा से बुके में मैं शूट कर रही हूँ। आई होप आपको काफी अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि किस तरह की क्वालिटी और किस तरह का ये बुके इफेक्ट रखता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि मतलब जो गैलेक्सी AI फीचर्स आए हैं ना, वो कैमराज में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि कई बार हम फोटोज निकाल तो लेते हैं कुछ भी आड़ी टेढ़ी फ्रेमिंग रख के, फिर बाद में जब देखते तो समझ में आता है काश मैं थोड़ा साइड में खड़ी होती तो मेरा फोटो कितना अच्छा आता इस सीनरी के साथ। एक्चुअली मैं वो सारी चीजें ना अब इस फोन से कर सकते हैं, जैसे कि जनरेटिव AI की हेल्प लेके जो ये मैं बीचों बीच खड़ी हूँ इसको मैं सेलेक्ट करके साइड में रखूंगी और ये फोटो पहले इस तरीके का था और अब इस तरीके का देखने को मिल रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हो साइड में एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो जनरेटिव AI की हेल्प से मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, इरेज कर दूंगी और फोटो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। कई बार क्या होता है ना कि फोटोज में रिफ्लेक्शन शेडोज बन जाते हैं, तो उनको भी आप यहां से AI की हेल्प से इरेज कर सकते हो, तो ओवरऑल फोटोज काफी अच्छे हो जाते हैं। तो बेसिकली AI काफी हेल्प करता है आपके फोटोज को अच्छा बनाने में। पर चलो ये तो हो गई कैमरास की बात, इससे हटके अगर यहां पर फोन के UI के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, One UI 6.1 का अपडेट आ गया, उसको अपडेट कर लेना, उसके बाद आपको ये सारे AI फीचर्स इस फोन में देखने को मिल जाएंगे। 4+5 year के OS अपडेट देखने को मिल रहे हैं, नॉक सिक्योर्ड है फोन, सिक्योर फोल्डर, सैमसंग डेक्स, इस तरह के फीचर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो S23 FE है आफ्टर ऑल, तो इस तरह के फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जो इतने सारे AI फीचर्स जो मैंने आपको बताया ना कैमराज में, उसके अलावा बहुत सारे AI फीचर्स ऐसे हैं जो आपको डे टू डे बेसिक टास्क में अपार्ट फ्रॉम फोटोग्राफी भी काफी हेल्प करेंगे, जैसे कि एक सर्कल टू सर्च, बेसिकली आपको कहीं पर भी कुछ भी नजर आ रहा है आपको उसके बारे में जानना है या फिर उस प्रोडक्ट को परचेस करना, सर्कल करो एंड यू हैव द रिजल्ट। एक यहाँ पर कॉल असिस्ट का फीचर देखने को मिल रहा है, बेसिकली अगर आप किसी ऐसे बंदे से बात करो जिसका लैंग्वेज डिफरेंट और आप चाहते हो अपनी लैंग्वेज में उस कॉल को सुनना, तो कॉल असिस्ट में आपको लाइव ट्रांसलेशन मिल जाएंगी और उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स भी चल रही होती है। मतलब बेसिकली अगर सामने वाले इंग्लिश में बात करे, आप चाहते हो हिंदी में सुनाई दे, तो सुनाई भी हिंदी में देगा और आप यहां पर रीड भी कर सकते हो कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये सुपर हेल्पफुल चीज है। इसके अलावा आपको यहां पर UI में ही एक इंटरप्रेटर का ऑप्शन भी मिलेगा अगर आप किसी ऐसी कंट्री में चले जाते हो जहां पर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है। इसमें ना 17 डिफरेंट लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, आप यहां से हिंदी में बोलोगे सामने वाले को स्पेनिश या फिर इंग्लिश में सुनाई देगा, वो स्पेनिश या इंग्लिश में बोलेगा और आप चाहते हो हिंदी में सुनो तो वो आपको हिंदी में सुनाई देगा। बेसिकली इसके थ्रू आप बात कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ चीजें ऐसी है ना जो कम्युनिकेशन बैरियर, जिसको हम एक
टर्म देते थे कि हाँ यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है, वो इस AI की हेल्प से सॉल्व हो जाने वाला है मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक। इनफैक्ट ये सिर्फ कॉल में ही नहीं, आपको यहाँ पर चैट असिस्ट का भी फीचर मिलेगा, वहाँ पर भी इस तरह से चैट को ना आप यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हो। चैट असिस्ट में तो एक चीज़ जो मेरे को तो पर्सनली काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि कई बार जब मैं टाइप कर रही होती हूँ ना तो ग्रामर मिस्टेक हो जाती है, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जैसे सेंटेंस में भी मिस्टेक्स हो रखी है, तो यहाँ पर इस AI बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूँगी ये पहली बात तो मेरी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स हटा देगा, बट यहाँ पर जो भी आप लिख रहे हो ना उसकी डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स भी मिल जाएगी। तो कुछ सेंटेंस आपने कुछ एक पर्टिकुलर वे में लिखा है लेकिन आप चाहते हो नहीं इसको इस तरह से भेज सकते हैं, इस तरह से भेज सकते हैं, जो कि ट्वीट्स या फिर इंस्टाग्राम की कैप्शंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये प्रॉपर हैशटैग्स वगैरह लगा के मेरे को बताता है कि आप इस स्टाइल में इसको लिख के भेज सकते हो। यहाँ पर ना आपको भी पता होगा कि बीइंग अ रिव्यूअर मतलब नोट्स तो मेरी एक फेवरेट एप्लीकेशन है मेरे फोन के अंदर, ठीक है, मैं नोट्स ऐप का बहुत ज्यादा यूज लेती हूँ। वहां पर भी इन्होंने कुछ AI फीचर्स डाल दिए जहां पर कई बार नोट्स की फॉर्मेटिंग नहीं होती है, तो ये नोट्स को मतलब ऑटोमेटिकली फॉर्मेट उनकी हेडिंग उनके पॉइंट्स वगैरह डाल के दे देगा, तो वो एक हेल्पफुल चीज है मेरे लिए। बहुत बड़े नोट्स अगर मुझे रिसीव हो गए तो उनको समराइज करके दे देता है, कई बार अगर डिफरेंट लैंग्वेज में नोट्स मिल रहे हैं तो उनको ट्रांसलेट कर देगा, और ऑब्वियसली ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह स्पेलिंग मिस्टेक्स तो ये करेक्ट करेगा ही करेगा, तो वो एक अच्छा फीचर नोट्स में देखने को मिल रहा है। ब्राउजिंग में भी इसी तरह का ब्राउजिंग असिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो कुछ भी आपने ब्राउज किया और बहुत ही बड़ा कोई पैराग्राफ पढ़ने का आपको मन नहीं कर रहा है तो उसको भी ये समराइज कर देगा और वहां पर भी ये ट्रांसलेट कर देगा आपकी मर्जी जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हो। एंड ये सारे जो AI फीचर्स है ना ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है इस फोन में, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होके ये AI फीचर्स आए हैं, कहीं पर भी ऐसे गूफ अप वगैरह नहीं हो रहा है, जो पूछा जाता है जो करने को बोला जाता है बेसिकली ये AI फीचर्स उनको परफॉर्म कर देता है। एंड इनफैक्ट आपको नहीं पता है तो बता दूं कि Exynos 2200 चिपसेट यहां पर दिया हुआ है जिसका एंटूतु स्कोर कुछ 1 मिलियन अप्रॉक्स निकल के आता है, जो कि काफी ज्यादा सही है, क्योंकि मैं जो भी टास्क परफॉर्म कर रही हूं, वीडियो शूट करके उनको एडिट कर रही हूं, जो भी काम कर रही हूं ना बेसिकली वो काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है ये फोन, तो मेरे अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस जस्टिफाइड है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, तो बेसिकली काफी अच्छे से जस्टिफाई हो रही है अभी। अच्छा, इन सबसे हटके देखो फोन की डिस्प्ले बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स वगैरह के बारे में बात की जाए तो 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर दे रखा है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। आउटडोर्स वगैरह में मैं फोन को लेके गई हूँ, मुझे ब्राइटनेस में कोई कमी नहीं देखने को मिली है, ठीक है, यूट्यूब में क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। साथ ही में फोन की जो बिल्ट है वो अच्छी है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ट बोला जा सकता है, क्योंकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्टेड है, मेटेलिक फ्रेम दे रखा है, बैक साइड में भी ग्लास दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, 25W की चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है, चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, ठीक है, वायरलेस चार्जिंग को भी ये फोन सपोर्ट करता है। अभी बैटरी बैकअप की मैं जहां तक बात करूँ ना, देखो डिपेंड करता है आपके यूसेज पर, अगर आप मेरी तरह नॉर्मल यूजर हो जो दिन भर सोशल मीडिया ऐप चला रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, थोड़े बहुत फोटोज वीडियोज निकालिए, तो एक दिन तक का बैकअप मिल जाएगा, मतलब जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडिटिंग कर रहे हो, गेमिंग वगैरह कर रहे हो, हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे हो बेसिकली, तो फिर आपको शाम होते होते फोन को चार्ज लगाना पड़ेगा, तो ये वाला सीन है। इसके अलावा देखो ना फोन के स्टीरियो स्पीकर्स अमेजिंग है, उनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, IP68 रेटेड है ये स्मार्टफोन। बिल्ट वगैरह मैंने आपको बताया, ये काफी ज्यादा प्रीमियम आता है, सारे AI फीचर्स आ गए। तो बेसिकली मैंने ना आज से पहले इस फोन के बारे में अपने चैनल पर बात नहीं किया था, क्योंकि ये 55,000 की प्राइस में मिलता था, जो कि एक प्राइस था मतलब, लेकिन 33,999 की प्राइस में डेफिनेटली स्टील डील है। मैंने कुछ दिन पहले सेल का वीडियो बनाया था, मैंने उस टाइम पर ना प्राइस रिवील नहीं हुआ था, मैंने तभी आप लोगों को बोल दिया था कि 37,000-38,000 की प्राइस में भी अगर ये फोन आता है ना अच्छी डील रहने वाली है। लेकिन अब जब प्राइस रिवील हो गया है 33,999, डेफिनेटली क्रेजी डील है। किसी ने भी कभी भी सोचा है कि आपको सैमसंग का फोन परचेस करना है, थोड़ा सा फ्लैगशिप वाली फील लेनी है, डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ आराम से जा सकते हो आज की डेट में। मैंने आपको सब कुछ इस फोन के बारे में बता दिए, जो भी AI फीचर्स अभी नए आए हैं वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई होप इस वीडियो से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि ये फोन आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करिएगा और कमेंट्स करिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि क्या चीजें आपको पसंद आई है, कहां पर मुझे इंप्रूव करना है, तो वो जरूर से कर देना। बाकी तो हम लोग मिलते हैं यार हमारे नेक्स्ट वीडियो में।